बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर धनिया पत्ता, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर हरी मिर्च। जी हाँ, ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली हुई है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च, यहाँ पर ये 2 लाल मिर्च लिया हुआ है मैंने। नेक्स्ट हम लेंगे लहसुन और अदरक, यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कड़ी है और 2 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े हैं। नेक्स्ट हम लेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली, जो इस चटनी का टेक्सचर बहुत अच्छा देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर टमाटर, एक बड़ा सा टमाटर लिया हुआ है और 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितनी चीनी ली हुई है और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सारी इन चीज़ों को मिक्सर की जार में हम ऐड कर देंगे।